भोपाल क्राइम ब्रांच ने 25 लाख रुपए ठगी करने वाले सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह 6 साल से फरार चल रहा था। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी 2016 से फरार था। वह नाम बदल बदल कर लोगों से ठगी किया करता था। इतना ही नहीं, ठग फर्जी तरीके से बैंक खाते सर्विस टैक्स के रूप में खुलवाता था और उसपे रुपए डलवाता था। पुलिस ने बताया कि सिम बदल बदल कर ग्राहकों को कॉल किया करता था। पॉलिसी जो मेच्योर हो जाती थी उसके लिए लोगों को कॉल कर सर्विस टैक्स के नाम पर अकाउंट में पैसे डलवाता था। बीमा पॉलिसी के नाम पर क्लेम पास कराने के नाम पर ठगी किया करता था। आरोपी अंकुर शर्मा पर भोपाल के अलावा अन्य राज्य में भी धोखाधड़ी के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। उसकी तलाश में भोपाल क्राइम ब्रांच एक सप्ताह से दिल्ली में डेरा डाले हुए थी। एक फ्रॉड हुआ, यह फ्रॉड पॉलिसी के नाम पर पैसे जमा करवाने के लिए किया गया था। 14 से लेकर 16 तक लगातार 2 वर्ष फरियादी के द्वारा 25 लाख रुपए खाते में जमा किए गए और इस उम्मीद में कि उस पॉलिसी का कोई पैसा मिलेगा। जब 16 में फरियादी को मालूम पड़ा उसने ठगी हुई है तो फरियादी के द्वारा क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई। क्राइम ब्रांच में शिकायत मिलने के बाद क्योंकि चूंकि आरोपी पहले ही फरियादी कॉन्टेक्ट में था, फरियादी फरार हो गया। लगभग 6 साल बाद पुलिस ने लगातार 7 दिन दिल्ली में रहकर आरोपी की पड़ताल कर उसको गिरफ्तार किया। आरोपी को हम लोगों ने रिमांड पर लिया है और आगे की पूछताछ और अन्य अपराधों में संलिप्तता के बारे में जानकारी जारी है।